सौतेली माँ वर्सेस मरी हुई नागिन माँ। एक गांव में राधिका नाम की एक औरत रहती थी। उसकी तीन बेटियाँ थी, कुसुम, मीरा और 2 साल की मिष्टी। लेकिन राधिका का पति भोला दास बहुत ही दुष्ट किस्म का आदमी था। वह दिन रात सिर्फ शराब के ही नशे में डूबा रहता था और वह अपनी पत्नी राधिका और अपनी तीनों बेटियों से बहुत ही नफरत किया करता था, क्योंकि उसे एक लड़का चाहिए था। लेकिन राधिका ने सिर्फ 3 बेटियों को ही जन्म दिया था। इसके बाद से भोला दास ने तय कर लिया था कि वो इन 4 को मार कर ही रहेगा। अरे, इन माँ बेटियों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे, एक बेटा तो दे नहीं पाई, ऊपर से इन 3 बेटियों का बोझ मेरे सर पर डाल दिया। लेकिन मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकता, मुझे इन लोगों का कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। भोला दास अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को मारने का प्लान बनाता है और जब रात में राधिका और उसकी तीनों बेटियां सो रही होती है तो भोला दास चुपके से आकर उनके कमरे में मिट्टी का तेल फैला देता है। आज मैं तुम 4 का खेल यहीं पे खत्म कर दूंगा और तुम 4 का अंतिम संस्कार भी यहीं पर हो जाएगा। उसके बाद मैं किसी और से शादी कर लूंगा और अपनी जिंदगी सुकून से बिताऊंगा। इतना कहकर भोला दास ने जलती हुई माचिस की तिल्ली कमरे में गिरा दी और वहाँ से फटाफट से भाग गया और देखते ही देखते पूरे कमरे में आग फैल गई और आग की गर्माहट से सबकी नींद खुल गई। आग देखकर वे लोग मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। अरे, ये क्या हो गया, ये आग कैसे लग गई? अरे कोई है बाहर, कोई तो हमारी मदद करो। हे भगवान, अब मैं अपनी बच्चियों की जान कैसे बचाऊं? बचाओ, कोई तो बचाओ। राधिका की तीनों बेटियां आग की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वे तीनों जोर जोर से रोने लगी। माँ, हमारी मदद करो माँ, बहुत जलन हो रही है, प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो माँ। हाँ माँ, हमें बचा लो वरना हम मर जाएंगे माँ। उसी समय राधिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वह अपनी दोनों बेटियों को एक मोटे से बोरे में लपेट लेती है और अपनी सबसे छोटी वाली बेटी को अपने आंचल में समेटकर अपने सीने से लगा लेती है और जैसे तैसे करके अपने तीनों बेटियों को उस आग से बचाकर बाहर ले आती है। लेकिन वह खुद अपने ऊपर कुछ न डालने की वजह से वह बुरी तरह से आग में जल जाती है और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। राधिका ने उन आग की लपटों से अपनी तीनों बेटियों की जान तो बचा ली थी, लेकिन अफसोस, वो अपने आप को इस आग से नहीं बचा पाई, जिसके बाद वे तीनों बच्चियां पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है। माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई? माँ उठिए ना माँ। माँ, दीदी, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? उनको क्या हुआ दीदी? माँ बोलो ना माँ। वह छोटी छोटी बच्चियां अपनी माँ से लिपट कर रो रही होती है और दूर खड़ा भोला दास यह सब देख रहा होता है और अपनी तीनों बेटियों को जिंदा देखकर उसे बहुत ही अफसोस होता है। अरे, ये तीनों के तीनों कैसे बच गई? अरे, इन मनहूस ने हमारे सारे प्लान पर ही पानी फेर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम उसकी माँ राधिका से तो पीछा छूटा। राधिका की मौत के कुछ दिन बाद ही भोला दास ने मेनका नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली और उसे अपने साथ घर ले आया। मेनका उन बच्चियों पर अत्याचार करने में भोला दास से भी 2 कदम आगे थी। उसने घर में आते ही उन बच्चियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। अरे, तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? क्या कहा था मैंने तुम लोगों से? बताओ जल्दी, क्या कहा था मैंने? वो आपने चाय बनाने के लिए कहा था। अच्छा, तो तुम लोगों ने अभी तक बनाया क्यों नहीं? वो माँ, गैस खत्म हो गया है। अरे काम चोर, गैस खत्म हो गया तो क्या, तुम लोग जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती, उस पर चाय बनाती? इतना भी दिमाग नहीं है तुम लोगों में? चलो जाओ और जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाओ। उसके बाद वह तीनों बहन जंगल में लकड़ियाँ काटने चली जाती है और वहाँ से जैसे तैसे करके लकड़ियाँ काट कर घर ले आती है। अरे, तुम तीनों को इतनी देर कहाँ हो गई? मैं कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ। माँ, वो जंगल बहुत दूर है इसलिए वहाँ जाने आने में इतनी देर हो गई। अच्छा, तो तू अब मुझसे बहस करेगी? रुक जा,
अभी बताती हूँ तुम तीनों को कि मुझसे बहस करने का अंजाम क्या होता है। उसी समय मेनका उन बच्चियों को चाय बनाने के लिए कहती है और जब चाय पूरी तरह से खौलने लगता है तो भोला सिंह को आवाज लगाती है, सुनिए इधर आइए जल्दी, देखिए आपकी ये तीनों बेटियां मुझसे बहुत बहस करने लग गई है, तो इसलिए आज मैं इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। इतना कहकर मेनका ने उन खोलते हुए गर्म चाय को उन बच्चियों के ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से तीनों की तीनों जलन के मारे चिल्लाने लगती है, आह माँ बचाओ हमें, हमें बहुत तेज जलन हो रही है, माँ दीदी मुझे भी बहुत तेज जलन हो रही है, दीदी मेरी मदद करो, दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है दीदी। वह तीनों बेचारी दर्द से चिल्ला रही होती है और वहीं मेनका और भोला दास बच्चियों को दर्द में तड़पता देखकर मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। उन्हें इन बच्चियों पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। अरे इन तीनों को इस तरह तड़पता देखकर तो मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है। सही कहा मेनका तुमने, मुझे भी इनकी ये हालत देखकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। अरे इतना सुकून तो इसकी माँ को मरता हुआ देखकर भी नहीं मिला था। इतना कहकर भोला दास और मेनका वहाँ से चले जाते हैं और वह तीनों बहनें वहाँ पर दर्द से तड़प रही होती है, लेकिन कोई और भी इन बच्चियों का दर्द देखकर बहुत ही तड़प रहा होता है। वो अपनी बच्चियों की ऐसी हालत देखकर स्वर्ग लोक में भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि उन बच्चियों की माँ राधिका थी। हे भगवान शिव, ये लोग क्यों मेरी बच्चियों के साथ इतना बुरा अत्याचार कर रहे हैं? आखिर मेरी बच्चियों की क्या गलती है? क्यों आपने मुझे मेरी बच्चियों से इतनी जल्दी दूर कर दिया? अरे आप तो सब देख रहे हैं ना कि वे लोग मेरे बच्चियों के साथ क्या क्या कर रहे हैं। अब आपको ही कुछ करना होगा भगवान, मैं इस तरह अपनी बच्चियों को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। राधिका को इस तरह तड़पता हुआ देखकर वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत परी आती है और वह राधिका से कहती है, राधिका मुझे भगवान शिव ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, इसलिए अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें धरती पर वापस जाने का आदेश देती हूँ, लेकिन तुम इंसान के रूप में धरती पर अब वापस नहीं जा सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक नागिन बनाकर धरती पर भेजती हूँ, लेकिन तुम कोई साधारण नागिन नहीं होगी और तुम्हारे पास अटूट शक्तियाँ होगी जिससे कि तुम किसी का भी आसानी से सामना कर पाओगी। और हाँ, मैं तुम्हारे सर पर नागमणि दे रही हूँ जिससे तुम अपनी बच्चियों की रक्षा कर सकती हो। परी के इतना कहते ही राधिका एक इच्छाधारी नागिन में बदल जाती है और वह उसी समय धरती लोक पर जाकर और अपनी शक्ति से अपनी बेटियों की जलन को दूर कर देती है और उनके सारे घाव भी भर देती है। जब वह तीनों बच्चियां उस नागिन को देखती है तो वे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन जब राधिका वापस अपने रूप में आती है तो वो कहती है, अरे डरो मत मेरी बेटियों, मैं हूँ, मैं तुम्हारी माँ, इसलिए आज के बाद तुम लोग जब भी किसी परेशानी में होगी तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने आऊंगी, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी मेरी बेटियों। राधिका अपनी बेटियों को और भी कुछ समझा पाती कि इतने में वहाँ पर भोला दास और मेनका आ जाते हैं और वे लोग जब उन तीनों बच्चियों को बिल्कुल ठीक देखते हैं तो मेनका गुस्से में कहती है, अरे ये क्या, यह तीनों तो बिल्कुल ठीक लग रही है, मैंने सोचा था कि ये लोग अभी तक दर्द से पागल हो चुकी होगी, लेकिन इनको तो कुछ भी नहीं हुआ, पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो खोलती हुई चाय इनके ऊपर फेंकी थी। अरे लड़कियों, कहीं तुम लोगों को कोई जादू टोना तो नहीं आता? इसी तरह से भोला दास और मेनका ने कई बार अपनी बेटियों को मारने की कोशिश की, लेकिन राधिका हर बार आकर अपनी बेटियों की जान बचा लेती है। अरे पता नहीं इनकी माँ ने इन्हें कौन सी घुट्टी पिलाई है जिससे कि ये लोग मरने का नाम ही नहीं लेती। अरे हम लोग इतनी कोशिश करते हैं लेकिन पता नहीं ये मनहूस कैसे बच जाती है। अरे मेनका सुनो, अब हम लोग इन लोगों को मारने का प्लान कैंसिल करते हैं और इन तीनों को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। वैसे भी ये तीनों यहाँ पर बैठकर मुक्त की रोटियाँ ही तोड़ रही हैं, लेकिन जब बाहर भूख के मारे तड़प तड़प के मर जाएंगी तब मजा आएगा।
उसी समय भोला दास और मेनका उन बच्चियों को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं और वह तीनों बहनें रोते हुए घर से जा रही होती है। तभी नागिन के रूप में राधिका वहाँ पर आ जाती है। अरे तुम लोग क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैं हूँ ना तुम लोगों के साथ। लेकिन माँ अब हम लोग कहाँ जाएंगे? उन लोगों ने तो हमें घर से निकाल दिया है। घर नहीं बेटी, वो घर नहीं नर्क है। घर तो मैं अपनी बेटियों को बना कर दूंगी। उसके बाद राधिका ने अपनी जादुई शक्तियों से अपनी बेटियों के लिए एक सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर देती है। सुनो बेटी, आज से तुम लोग इसी घर में रहना और यह जो मेरे सर के ऊपर नागमणि है उसे तुम ले लो। इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी यह नागमणि तुम्हें वो सब कुछ देगा। और हाँ, तुम लोग इस नागमणि को बहुत ही संभाल कर रखना। उसके बाद वह तीनों बहनें बड़े ही आराम से उस घर में रहने लगती है और उन्होंने नागमणि की मदद से अपनी कई सारी दुकानें खोली और वहाँ पर कई सारे गरीब और बेसहारा लोगों को काम पर रखा। समय के साथ साथ वे लोग भी बड़ी होने लगी और उन्होंने अपना कारोबार हर जगह फैला दिया। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वे लोग नागमणि की मदद से बहुत तरक्की करने लगे थे। लेकिन जब यह बात भोला दास और मेनका को पता चली तो वे लोग सोच में पड़ गए कि आखिर इतनी जल्दी उनकी बेटियां इतनी अमीर कैसे हो गई। तभी एक दिन वे लोग भिखारी के रूप में उनके घर जाते हैं और वहाँ उन्हें उस नागमणि के बारे में पता चलता है। तो वे लोग उस नागमणि को चुराने का प्लान बनाते हैं। वे लोग रात में सबके सो जाने के बाद उस नागमणि को चुरा लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर राधिका नागिन के रूप में आ जाती है और उन दोनों को वहीं पर डस लेती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी तीनों बेटियां हंसी खुशी रहने लगती है। सौतेली बहन और जादुई दो कंगन। रामगढ़ राज्य में दो सौतेली बहनें अन्नू और पीहू अपनी माँ सावित्री के साथ रहती थी। अन्नू सावित्री की अपनी बेटी थी और पीहू उसकी सौतेली बेटी थी और सावित्री अपनी बेटी से ज्यादा प्यार पीहू से करती थी, क्योंकि पीहू बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की थी और वह रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम फटाफट कर लेती थी। और वहीं दूसरी तरफ सावित्री की अपनी बेटी अन्नू बहुत ही आलसी और मतलबी थी। वह रोज सुबह देर से उठती थी और घर का कोई भी काम नहीं करती थी। इसी वजह से अन्नू पीहू से बहुत जला करती थी। तभी ऐसे ही एक दिन, माँ हमारे घर में सारे लोग कितने सुंदर हैं, सिर्फ उस पीहू को छोड़कर। तो कहीं आप उसे किसी कीचड़ में से तो उठाकर नहीं लाई थी, जो इसका रंग इतना काला कलूटा है? अन्नू, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वह तुम्हारी बहन है और मेरी बेटी है। और एक तो तुम घर का कुछ काम तो करती नहीं, ऊपर से उल्टा तुम पीहू के बारे में बुरा भला बोल रही हो। इसलिए खबरदार, जो तुमने आगे से इस तरह पीहू के बारे में गलत बात की तो। पीहू वहाँ खड़ी यह सब सुन रही होती है। चूँकि पीहू स्वभाव से बहुत ही अच्छी और चंचल किस्म की थी, तभी वह मन में सोचती है, अन्नू ने मुझे काली कलूटी कहा, रुको आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूँगी। तभी जब अन्नू अपने कमरे में बैठकर जूस पी रही होती है, तभी पीहू अन्नू से कहती है, अन्नू माँ तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आई है और अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारे हिस्से की आइसक्रीम ले लेती हूँ। अरे ओ, तुम मेरे हिस्से की आइसक्रीम क्यों लोगी? मैं अभी जाकर अपनी आइसक्रीम ले लेती हूँ। तभी पीहू अपने मन में खुश होते हुए बोलती है, अब तुम्हें मजा आएगा। उसके बाद जैसे ही अन्नू अपने कमरे से बाहर जाती है, तभी पीहू उसके जूस में लाल मिर्ची मिला देती है। कुछ देर बाद जब अन्नू वापस अपने कमरे में आई और वापस से अपना जूस पिया, तो उसके मुंह और कान से धुआं निकलने लगा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, आह पानी, कोई मुझे पानी लाकर दो, मेरा मुंह जल रहा है। तभी अन्नू की ऐसी हालत देख पीहू जोर जोर से हंसने लगती है। तभी ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अन्नू जब काफी देर तक सो रही होती है, तभी सावित्री उसे बाहर से आवाज लगाती है, अरे
आज दोपहर होने वाली है और तुम अभी तक सो रही हो। अरे तुम्हें पीहू की तरह ही जल्दी सुबह उठना चाहिए। इतने देर तक सोना लड़कियों के लिए सही नहीं है। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर अन्नु मुंह बनाते हुए बोलती है। पता नहीं क्यों माँ जब देखो उस पीहू की ही तारीफ करती रहती है, इसलिए मुझे किसी तरह उस पीहू को माँ की नजरों में नीचे गिराना होगा। और जब माँ इससे नफरत करने लगेगी तभी जाकर मैं माँ का प्यार हासिल कर पाऊंगी। और मैंने सुना है कि गांव के उस पार जंगल में एक दुष्ट जादूगरनी रहती है, तो मुझे उसके पास मदद मांगने के लिए जाना चाहिए, वो शायद मेरी कुछ मदद कर दे। अन्नु सुबह उठकर सबसे पहले उस जादूगरनी के पास जाती है और अन्नु को आता देख जादूगरनी खुश होते हुए कहती है, आओ अन्नु आओ, तुम्हारा यहाँ इस जंगल में स्वागत है और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम अपनी बहन पीहू से बहुत परेशान हो ना? अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, और ये भी कि मैं अपनी बहन से बहुत परेशान हूँ? हाँ वो क्या है ना, मैं अपने जादू से सब कुछ देख सकती हूँ। अच्छा ऐसी बात है, चलो तुम कुछ ऐसा करो जिससे वो पीहू की बच्ची मेरी माँ के नजरों में से हमेशा के लिए गिर जाए और माँ उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। अन्नु की बात सुनकर जादूगरनी अन्नु को दो जादुई कंगन देती है और उससे बोलती है, ये लो यह काला वाला कंगन तुम पीहू को पहना देना और यह सफेद वाला कंगन तुम पहन लेना, और यह काला कंगन पहनते ही पीहू जो भी काम करेगी वह सारा काम उसका खराब हो जाएगा, लेकिन सफेद कंगन इसका उल्टा काम करेगी। इसे पहनकर तुम जो भी काम करोगी वह सब कुछ अच्छा ही होगा और तुम्हारी माँ तुमसे बहुत खुश हो जाएगी। अन्नु उस जादूगरनी से जादुई कंगन लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। लेकिन अन्नु को यह बात नहीं पता थी कि उस जादूगरनी ने उसे कंगन किसी मकसद से दिया था। हा 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 हा, ये दोनों बहनें वो कंगन पहनते ही मेरे बस में हो जाएंगे और फिर मैं इनकी माँ से वह जादुई हीरा हासिल करके ही रहूंगी जो उसने कई साल पहले कहीं छुपा दिया था। तभी वहाँ अन्नु वो कंगन लेकर घर आती है और वह काला कंगन पीहू को देते हुए कहती है, पीहू देखो माँ हम दोनों के लिए बाजार से यह कंगन लेकर आई है और यह काला वाला तुम्हारे लिए है। अरे यह कंगन तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा कहकर पीहू ने वह कंगन अपने हाथों में पहन लिया। तभी जब अगली सुबह पीहू अपनी माँ के लिए चाय बनाकर ले जाती है तो सावित्री चाय पीते ही गुस्से में कहती है, अरे पीहू आज तूने चाय इतनी बेकार क्यों बनाई है, लगता है तुम अब चाय बनाना भूल गई हो। लेकिन माँ मैंने तो चाय रोज की तरह ही बनाई है। तभी सावित्री पीहू से कहती है, पीहू ऐसा करो तुम आज से खाना मत बनाओ क्योंकि मैं अब तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाऊंगी, इसलिए अन्नु आज से तुम मेरे लिए खाना बनाना। जब सावित्री ने पीहू के हाथों से बना खाना खाने से मना कर दिया, यह देखकर अंजलि अपने मन ही मन में बहुत खुश होती है और पीहू अपनी माँ की बातों से बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसी रात अन्नु अपने कमरे में सो रही होती है कि अचानक उसकी आंखें खुल जाती है और वह अपने पूरे घर में जादुई हीरा ढूंढने लगती है। और इधर जादूगरनी अपने जादू से यह सब कुछ देख रही होती है। ढूंढो ढूंढो अन्नु ढूंढो, जल्दी से मेरा वह जादुई हीरा ढूंढो क्योंकि मुझे वो किसी भी कीमत में चाहिए। तभी जब अगले दिन पीहू सुबह सोकर उठती है तब वह देखती है कि घर का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। यह सब देखकर पीहू हैरान हो जाती है। अरे ये घर का सारा सामान इतना फैला हुआ क्यों है, कल तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, चलो चलकर माँ से पूछती हूँ। पीहू यह बात जाकर अपनी माँ को बताती है। यह सुनकर सावित्री कहती है, अरे शायद अन्नू कुछ ढूंढ रही होगी, ठीक है और अब मैं मंदिर जा रही हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए बगीचे से कुछ फूल तोड़ कर ले आओ। जब पीहू बगीचे से फूल तोड़ रही होती है त
तभी सावित्री की नजर पीहू के उस कंगन पर जाती है। तभी वह कहती है, अरे पीहू, तुम्हारा यह कंगन तो बहुत सुंदर है, यह तुम्हें किसने दिया? अरे माँ, आप ही तो लाई थी यह कंगन, मेरे लिए काला कंगन और अन्नू के लिए वह सफेद वाला कंगन। अरे पर मैं तो किसी के लिए कोई कंगन नहीं लाई थी। अरे ओ अन्नू, जल्दी यहाँ आओ और बताओ मुझे, तुम्हें यह कंगन किसने दिया? माँ, वो मैं ये कंगन बाजार से लाई थी। अन्नू, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने तो मुझे कहा था यह कंगन माँ बाजार से लेकर आई है। अन्नू, सच सच बताओ, बात क्या है, वरना मैं तुम्हें आज पूरे दिन खाना नहीं दूंगी। आखिरकार अन्नू को सारी बात सच सच अपनी माँ को बतानी पड़ी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं पीहू को अपनी नजरों में गिराना चाहती थी, इसलिए मैं उस जादूगरनी के पास गई और यह कंगन लेकर आई। पहले तो तुम दोनों इस कंगन को अपने हाथों से निकालो। माँ के कहने पर दोनों बहनें अपने हाथों से वह जादुई कंगन निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह कंगन उसके हाथों से नहीं निकलता है। माँ, यह कंगन तो हमारे हाथों से निकल ही नहीं रहा। अरे, क्योंकि यह कोई साधारण कंगन नहीं है, बल्कि यह तो जादुई कंगन है, और इसी की मदद से वह जादूगरनी वह जादुई हीरा हासिल करना चाहती है। क्या जादुई हीरा? पर आपने तो कभी भी हमें ऐसे किसी जादुई हीरे के बारे में नहीं बताया, और वह जादूगरनी उस हीरे को हासिल करना क्यों चाहती है? वह जादुई हीरा जो भी अपने गले में पहनेगा, उसको पहनते ही दुनिया के सभी लोग उसके गुलाम बन जाएंगे, इसलिए वह जादूगरनी उस हीरे को हासिल करना चाहती है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। पर माँ, यह कंगन तो हमारे हाथों से निकल ही नहीं रहा। अब तो बस हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें उस जादूगरनी के पास जाना होगा। तभी सावित्री अपने दोनों बेटियों को लेकर उस जादूगरनी के पास जाती है। आओ सावित्री आओ, और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो मेरी बेटियों को इस जादुई कंगन से आजाद कर दो। अरे, मुक्त में तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। मैं तुम्हारी दोनों बेटियों के हाथों से वह कंगन निकाल तो दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे वह जादुई हीरा देना होगा, या फिर अपनी बेटियों को मेरे पास छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। सोच लो, अब तुम क्या करना चाहती हो? यह सब सुनकर सावित्री सोच में पड़ जाती है। तभी पीहू नीचे से एक पत्थर उठाती है और उस जादूगरनी के जादुई गोले को तोड़ देती है, और उस जादुई गोले के टूटते ही वह जादूगरनी तड़पते हुए कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, यह तूने क्या कर दिया? मेरी जान इस जादुई गोले में थी और तूने इसी को तोड़ दिया। इतना कहते ही वह जादूगरनी वहीं पर दम तोड़ देती है, और उस जादूगरनी के मरते ही वह जादुई कंगन उनके हाथों से निकलकर अपने आप नीचे गिर जाता है। तभी अन्नू को भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, और वह पीहू से माफी मांगती है। और उस दिन के बाद से सावित्री की दोनों बेटियां मिलजुल कर प्यार से एक साथ रहने लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।